Hello, this is Shraddha again. So today I'm gonna show you my morning care routine, which is very essential part of your life. Like, or every college going girl should follow this steps. मेरे स्किन केयर रूटीन में नॉट हैविंग अ लॉट्स ऑफ स्टेप बिकॉज मुझे बहुत जल्दी रहती है मॉर्निंग में, तो आई एम जस्ट यूजिंग अ फ्यू थ्री और टू फोर स्टेप्स. तो या बताओ, आई एम गोना यूज अ फेस वॉश विच इज़ फ्रॉम पतंजलि चारकोल फेस वॉश. समटाइम्स आई यूज दिस सेटाफिल फेस वॉश व्हेन आई ऑलरेडी वॉश माई फेस at night, so I'm gonna use in morning this Cetaphil because it is very mild and lathering formula. तो जब मेरे morning में कोई dirt वर्ट नहीं रहते तो मैं उसको use कर लेती हूँ, but anyways मैं शाम को ये use करती हूँ because मैं pollution और दुनिया दुनिया से आती हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है. तो मैं अभी face wash करके आती हूँ, उसके बाद continue करती हूँ. तो मैंने face wash कर लिया है, तो आप देख सकती हूँ मेरी स्किन कितनी क्लियर हो गई है. सी ओके, तो आफ्टर दिस मैं वीकली फेस मास्क यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, जो मैंने खुद घर पे बना रखा है. तो दिस इज़ फ्रॉम राइस और मुल्तानी मिट्टी का मिक्सचर है, ये पाउडर करके मैं रख लेती हूँ. अगर कभी कभी मैं इसको मास्क की तरह यूज़ करती हूँ, कभी कभी मैं इसको एज अ स्क्रब यूज़ कर लेती हूँ. तो मैं इसको क्या करती हूँ, फेस वॉश लेती हूँ, फेस वॉश में हल्का सा ये डालती हूँ, जस्ट अप्लाइड माई फेस. तो ये स्क्रब की तरह काम करता है क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े ऐसे खुरदरापन भी है, तो ये स्क्रब की तरह काम करता है. अभी मैं इसको एज अ मास्क यूज़ करने वाली हूँ, और मास्क में मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा दूध मिला लेती हूँ इसमें, और ये ऐसा बन जाता है. तो मैं इसको अभी अप्लाई कर ले रही हूँ अपने फेस पे. भाई बहुत सही वर्क करता है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत बहुत सही वर्क करता है ये. सिर्फ दो चीज़ें, राइस और मुल्तानी मिट्टी के ऊपर फिर दूध मिला दो, बस ज़्यादा झंझट नहीं. दुनिया के फेस मास्क में लगा के देख चुकी हूँ, इतने इफेक्टिव नहीं होते जितना ये है, मतलब बहुत सही वर्क करता है ये. और अच्छे से मुझे लग रहा है ना, बहुत लिक्विड ही हो गया है, थोड़ा और थिक होना चाहिए था इसको. कोई बात नहीं, इसमें और मिला लो आप. And wait for a 5 minute only, okay? तो 5 मिनट बाद मिलते हैं. ओ ओके, तो ये अब सूख चुका है, और अब मैं जाती हूँ और फेस वॉश करके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ उसके बाद का ग्लो क्या रहता है. ओके, तो फेस वॉश कर लिया है मैंने, यार सही में ग्लो आता है इससे. और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आपको कि डोंट इन्वेस्ट ऑन इन लग्जीरियस फेस वॉश, क्योंकि यार वो ना मुंह धोने का काम करते हैं, और बायोटिक और आप इन सब में ले सकते हैं. जैसे ये मैंने जो यूज़ किया है पतंजलि का, ये अगर आपकी मेरी तो यार कॉम्बिनेशन है, समटाइम्स इट्स गेट ऑयली, समटाइम्स इट्स गेट सेंसिटिव, तो इस वजह से मैंने यही लिया है. बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वो सेटाफिल, वो ऑयली कह रही हूँ, ड्राई है तो आप ना सेटाफिल का वो यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है, ठीक है. तो आफ्टर दिस आई एम गोना यूज बायोटिक का टोनर. सी भाई देखो, पूरी बॉटल ख़त्म हो गया, इसके लिए मैंने ना स्टॉक रख रखा है नया. तो ये बहुत ही नेसेसरी पार्ट है क्योंकि ये मेरे फेस के पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है. तो और कुछ ना करो, अपने रूटीन में इसको ज़रूर ऐड करो. आप कोई और भी टोनर ले सकते हो जैसे कि प्लम वगैरह के, पर वो बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं, ठीक है. और ऐसा मैंने भी बहुत सारे टोनर मंगाए हैं, पर अपने हिसाब से देख लो, आप आपको कौन सा सूट करता है उस हिसाब से आप अपने लिए मंगाओ, क्योंकि ट्राई तो करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा विच इज़ परफेक्ट फॉर वन. तो मैं ना इसको ऐसे हल्के हाथों से ऐसे लगा लेती हूँ. आंख से थोड़ा अवॉइड करिएगा. और ये मुझे मिला था अमेजोन से 107 रुपीस का, आफ्टर सेव एंड सब्सक्राइब. और अगर आप, इसका रियल प्राइस है 175 रुपीस फॉर 120 ml. तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ये आपके स्किन के पोर्स को टाइट रखता है, ऐसा इसमें क्लेम किया गया है.
और इसका एक हनी टेक्सचर भी आता है, हनी उसमें, तो अगर आप उसमें यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो वाला भी ले सकते हैं। तो एक बार मंगा के देखिए, आपको जो सूट करता है वो भी अच्छा ही है, ठीक है, तो मंगा लीजिए। ओके, तो इसके बाद मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये एलोवेरा जेल, जो कि एक सीरम की तरह काम करता है। मेरी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, डोंट नो यार, बहुत ही सेंसिटिव टाइप है मेरी स्किन, तो मुझे ना कोई क्रीम व्रीम सूट नहीं करती है, मुझे सिर्फ एलोवेरा जेल सूट करता है, तो मैं इसको लगा लेती हूँ। एलोवेरा जेल पतंजलि का यार बहुत अच्छा वर्क करता है यार, ये पता है वाओ वाओ के बड़े महंगे पड़ जाते हैं, और सबसे चीप एंड बेस्ट, बहुत अच्छा ग्लो देता है, बहुत अच्छा वर्क करता है ये। मैं तो बेस की तरह इसको लगाती हूँ। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं और अगर आप मेकअप विकअप नहीं करती हैं, मैं तो सिर्फ इसी के साथ पूरा दिन स्टे कर सकती हूँ। गर्मियों में तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बस एलोवेरा जेल, और मेरी स्किन बहुत ग्लो करती है ऐसे। तो बिहाइंड माई ग्लोइंग स्किन एलोवेरा जेल का कमाल है। तो सी, अभी से आपको एक ग्लो दिख रहा होगा। ओके, तो ये लगा लिया मैंने, और उसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि ये अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। ये है एनवाई बे का स्किन फिडेंट लिड एज अ सेंट्रल पार्क, ये फेस सीरम है जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है। ये ना एक्ने से भी बचाता है आपकी स्किन को, तो ऐसा नहीं इसको लगाने के बाद आपको एक्ने हो जाएगा, बहुत अच्छा वर्क है, बहुत अच्छा वर्क करता है। और ये एन वाई वे का दूसरा है, ये एक्सटर्नल एज अ एम्पायर स्टेट, ये भी फेस सीरम है विद अ सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट। ओके, तो आप दोनों ही मंगा सकते हैं, मेरे पास जो है। अगर आप चाहते हैं इनके ऊपर मैं इंडिविजुअली वीडियो बनाऊँ, तो जस्ट टू कमेंट ऑन इट। और इसका प्राइस है, मैं सब कुछ बताऊँगी अगर बनाऊँगी तो। ओके, तो मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया, और मैं अब बस एक छोटी सी छोटा सा ये लिप केयर के लिए एक लिप बाम यूज़ करती हूँ। ये मेरा बहुत दिनों से चल रहा है यार, वो चल रहा है पर बहुत अच्छा है यार ये, इसमें मिड भी है कि एन वाई का है ये, जिसका एन वाई का है, ठीक है। तो ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक हो, सब्सक्राइब हो, शेयर और बेल घंटा जो भी है उसको बताइएगा, ठीक है। तो